पोयम डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फर्स्ट पोयम फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. ट्रांसलेशन देख लेते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. शुक मीन्स शेक, हिलना. हेमलॉक अ पोजनियस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. द पोयम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, अ हेमलॉक ट्री. Hemlock tree is a poisonous tree. As he passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. Starting poem की इस तरह से हो रही है कि first scene में अगर हम देख रहे हैं तो poet का जो mood है जो बहुत ही ख़राब था और वो walk करता हुआ एक tree के पास गया जो कि hemlock tree था. Hemlock tree जो है वो poisonous tree है, तो वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है जहाँ पर crow जो है उसके ऊपर कुछ स्नो के जो डस्ट है वो उसके ऊपर फेंकता है. वेदर इज फॉल ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इज अननोन एज देयर नो इज अननोन एज देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोयम. तो क्रो जो है वो शेक होने की वजह से जो जो स्नो के जो डस्ट है वो पोएट के जो है हेड पे या शोल्डर पे कहाँ पे गिरता है वो यहाँ पे किसी तरह को कोई मेंशन नहीं किया गया पोयम में. एल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग शिवरिंग विथ कोल्ड रीएडजस्टिंग इट्सेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ इट हैपन टू द to send some particles of snow upon the author. तो यहाँ पर जो है readers वो भी एक तरह से doubt में है क्योंकि यहाँ पर जो bird है उसको specific action जो है यहाँ पर mention नहीं किया गया है. That means जो crow है वो किस तरह से जो है poet पर जो है कि वो snow जो है उसका dust जो है किस तरह से वो उन पर फेंकता है. वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, क्या क्रो ने वहाँ पर लैंड किया था उसके बाद जो डस्ट थे वो शेक होने की वजह से गिरा. शिवरिंग विथ कोल्ड, क्या क्रो को ठंड लग रही थी इस वजह से वो शेक होने लगा इसलिए वो डस्ट का जो स्नो का जो पार्टिकल था वो गिरा पोएट पे. रीएडजस्टिंग इट्सेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ, क्या वो अपने आप को रीएडजस्टमेंट कर रहा था ब्रांच पे या फिर वो वापस से टेक ऑफ कर रहा था. लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर हुई, इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर. तो एक चीज़ तो जरूर हुई है कि उसने कुछ पार्टिकल स्नो के जो थे वो ऑथर के ऊपर गिराए. हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर सिग्निफायर ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन. तो यहाँ पर दो एजेंट है नेचर के, एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो, जिन्होंने सिग्निफायर किया है सैडनेस को ग्लूम को जहाँ पे पोएट का मूड जो है हम लोगों ने फर्स्ट सीन में देखा. अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट. फॉर रीजंस अननोन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरेबल डे but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. तो यहाँ पर जो है किसी unknown reason की वजह से author का जो mood जो था उनका जो day था बहुत ही ख़राब जा रहा था, लेकिन suddenly उनके head पर जिस तरह से snow fall हुआ dust उसका fall हुआ तो उससे उनके mood में changes आया. He had already spent his day in a bad mood but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. आधा दिन उनका पूरी तरह से खराब मूड में निकल चुका था लेकिन थोड़ा सा जो उनका दिन बचा हुआ था वो क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने जो है वो सेव कर दिया था किस तरह से कि उनके ऊपर जो डस्ट गिरा था स्नो का उस वजह से उनके मूड में चेंजेस आया.
जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट इनऑसिपियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। जनरली यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हेमलॉक ट्री और क्रो जो है यहाँ पर नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ हुए, लेकिन पोएट ने उन्हें ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो दोनों जो नेचर जो थे हेमलॉक ट्री और क्रो, वो उनके लिए जॉय और हैप्पीनेस लेके आया। उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स गिरने की वजह से स्नो के उनके मूड में चेंज आया और उनका जो हाफ डे जो था जो कि बहुत ही ख़राब निकला था वो उसको उन्होंने अच्छे मूड में चेंज कर दिया। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो हमारा पूरा दिन जो होता है वो एक कह सकते हैं पूरी तरह से ख़राब नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कि ग्रांटेड होता है कि कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं और नेचर जो है हमें हमेशा ब्लेस करता है। पोएटिक डिवाइस, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पे जो है एजाबमेंट का यूज हुआ है। एजाबमेंट मीन्स व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट हैज बीन यूज थ्रू आउट द पोएम। पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एजाबमेंट का यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे भी जो है किसी तरह का भी कोई वो नहीं दिखाया गया है, पंक्चुएशन नहीं है। एंजाबमेंट मीन्स व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट हैज़ बीन यूज थ्रू आउट द पोएम। यहाँ पे किसी भी लाइन में अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो उसे हम एंजाबमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस में राइम स्कीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइम स्कीम यूज हुई है, द वे अ क्रो द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो। तो यहाँ पे राइम स्कीम यूज हुई ए, शुक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी ट्री। तो यहाँ पे राइम स्कीम यूज हुई है बीबी, ए बीबी, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। तो यहाँ पे राइम स्कीम यूज हुई सीसी, अ चेंज ऑफ मूड ऑफ अ डे आई हैड रूड, वहाँ पे आपकी राइम स्कीम यूज हुई डीडी। तो यहाँ पे राइम स्कीम बनी ए बी बी सी सी डी डी। द इंटेंस ऑफ एलिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। एसोनेंस यूज हुआ है यहाँ पे, द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इन स्टैंजा 1 लाइन 2, शुक डाउन ऑन मी, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। एक्सरसाइज स्टैंजा वाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued. First question, where was the crow? What did it shake on the poet? What does the word rued mean? What is the poet's state of mind? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Question number 2, where did the crow sit? We can say that the poet was. How did the crow change the poet's mood? What fell off from a hemlock tree? Question number 3, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Question 1 ka A, of what change does the poet mention here? B, whose part of the day has been saved? C, what is the rhyme scheme of the passage? D, who is the poet? Or question number 2 ka A, what had given the poet a change of mood? Question number B,
वॉट डिड द पोएट थिंक ऑफ दैट डे, क्वेश्चन नंबर सी वॉट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, क्वेश्चन नंबर डी नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट होती है। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू।